बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि बहुत सारे मर्द हजरात फटी हुई पैंट के साथ ही नमाज पढ़ लेते हैं, क्या उनकी नमाज हो जाएगी? इस सवाल का जवाब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसी फटी हुई पैंट पहनते हैं जिसको वो फैशन कहते हैं, और वो उसको पहनकर अपने आप को बहुत ही मॉडर्न और रोशन ख्याल समझते हैं। हालांकि किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए और शरीफ घराने के आदमी के लिए ऐसी फटी हुई पैंट पहनना ये नाजायज तो है ही, शराफत के भी खिलाफ है और माशरे के कल्चर के भी खिलाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को यूरोप का थूका हुआ चाटने की आदत है, लिहाजा वहाँ किसी गरीब की पैंट फट गई होगी, उसने पहन ली होगी, तो यहाँ के लोगों ने वहाँ की देखा देखी ये पैंट पहनना शुरू कर दी। मालदार लोग भी ऐसी फटी हुई पैंट पहनते हैं कि जिन पैंट को और जिन कपड़ों को आदमी मजलिस में पहनकर बैठ भी नहीं सकता है, और ये लोग नमाज पढ़ लेते हैं उन कपड़ों में। बहुत ही बेशर्मी की बात है और अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ऐसी फटी हुई पैंट में हाजिर हुआ जा रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और चूंकि मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने तक होता है, अगर इस दरमियान वो पैंट फटी हुई है और वो इसी हालत में कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज नहीं होगी।